पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तक तृणमूल कांग्रेस से थोक भाव में नेता भाजपा में शामिल हो रहे थे। अब जब एक बार फिर से सत्ता में टीएमसी आ गई, तो अब कुछ भाजपा नेताओं को टीएमसी छोड़ने का पछतावा हो रहा है। उनका कहना है कि दीदी को छोड़कर उन्होंने गलती की है। शनिवार को बंगाल विधानसभा की पूर्व डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा ने कहा था कि वो टीएमसी में वापस जाना चाहती हैं। सोनाली के बाद टीएमसी छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले दो और नेताओं ने टीएमसी में आने की बात कही है। मालदा जिला परिषद की सदस्य सरला मुमर ने कहा है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह वापस जाना चाहती हैं। उनके अलावा उत्तर दिनाजपुर से पूर्व विधायक अमोल आचार्य ने भी तृणमूल कांग्रेस में वापसी की बात कही है। अमोल आचार्य ने कहा है कि टीएमसी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई गलत है और इस वजह से वो भाजपा को छोड़ना चाहते हैं। मालूम हो कि सरला मुमर को टीएमसी की ओर से विधानसभा चुनाव में हबीबपुर सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया था, लेकिन उन्होंने चुनाव से पहले ही शुभेंदु अधिकारी के कहने पर भाजपा का हाथ थाम लिया था। लेकिन अब सरला मुमर ने फिर पुरानी पार्टी में लौटने का फैसला लिया है। इसके अलावा उन्होंने नेताओं से संपर्क साधा है। उनका कहना है कि टीएमसी छोड़ना उनकी गलती थी। सरला मुमर ने कहा कि भाजपा ज्वाइन करना मेरी गलती थी और अब जब सीएम ने पार्टी छोड़ने वालों से वापस आने की अपील की है तो मैं पार्टी में लौटना चाहती हूँ। वहीं अमोल आचार्य की बात करें तो इस बार विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने उन्हें नामांकन से रोक दिया था। इसके बाद वो भाजपा में शामिल हो गए, लेकिन उन्हें वहाँ भी टिकट नहीं मिल पाया था। आचार्य ने कहा, मैंने हमेशा ममता बनर्जी को अपना लीडर माना है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे नॉमिनेशन से रोक दिया जाएगा। मैं इस बात से दुखी था और बीजेपी में चला गया था, ये मेरी गलती थी। उन्होंने कहा कि अब भाजपा सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हाकिम और अन्य नेताओं के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है, इससे वो उजागर हो गए हैं। मैंने सीएम को पत्र लिखकर माफ़ी मांगी है, मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देंगी।